अरे बाप रे बाप, भाई साहब मैडम जी की हालत बिगड़ तो नहीं गई? कोई कुर्सी लाओ, कोई भाई साहब सहायता करो। अरे एक दो से काम नहीं चलेगा, सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाओ और मैडम जी को बैठाओ। वैसे भाई साहब लग रहा था मैडम जी सीधे ग्लूकोज की बोतल हटा कर आई है, दौड़ती दौड़ती आई है। अब ड्यूटी लग गई, पंचायत चुनाव सिर पर आ गया है। और जैसे ही भाई साहब ड्यूटी का नाम आता है, बीमारी भी ना जाने कहाँ से चली आती है। अब मैडम जी की भाई साहब मुख्य जिलाध्यक्ष या महामंत्री या जो भी पदाधिकारी थी उनसे बातचीत करते हैं, मामले की थोड़ी बहुत जानकारी समझते हैं कि बृहस्पतिवार को एडीएम साहब के कार्यालय पर आने की कौन सी नौबत आन पड़ी। हम लिखते हैं जी, अलका गौतम, मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ जनपद बाराबंकी की जिलाध्यक्ष हूँ। अभी मेरा 8 फरवरी में संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जो क्या है, कहाँ आई है जी? मैं ये पंचायत चुनाव में जो महिलाओं की ड्यूटी लगी है उसको निरस्त कराने के लिए आए हैं। चूँकि हमारे यहाँ 15,000 के आसपास लेडीज हैं, टीचर्स हैं, लेकिन हम लोग 15-20 जो जुनून कारण के लिए आई हैं, जिनके साथ वाकई समस्या है। किसी को अभी तुरंत 3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, किसी के 3 महीने की बच्ची है। दंपति कार्मिक वाली भी ड्यूटी कहा गया था कि एक ही ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि एकल फैमिली आजकल सबकी हो चुकी है। और उसके कारण जो है, और जहाँ स्कूल की बात चल रही है वहाँ पर 6 घंटे टीचर्स को बैठना पड़ता है, लेकिन यहाँ 40 घंटे की ड्यूटी, इसका हम लोग करने आए हैं कि आप। वाह मैडम जी वाह, हमारा तो कलेजा इमोशनल हो गया, बकायदा आंसुओं की बाढ़ आ गई। कि बताइए जरा, जो यूपी पुलिस में महिलाएं भर्ती होती हैं वो ड्यूटी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षक की ड्यूटी लग जाए तो हे बाप रे बाप, बीमारी हो गई, ना जाने क्या हो गया। पंचायत चुनाव हो चाहे ना हो, लेकिन भाई साहब आपको छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। हाँ, प्रशासन से जो यहाँ के वकील बाबू हैं और जो अन्य लोगों हैं उन तक बात अभी पहुँचाई जा रही है, ज्ञापन तक कि आप लोग जो है बात जुनून कारण देखिए, आप उनका कमेटी बैठाइए, आप उनके लेटर देखिए। अगर आपको लीगल कारण लगता है उन पर आप विचार करिए, उन पर सहानुभूति दिखाइए। आप मैं सब महिलाओं की यहाँ पर बात, क्या आपके सामने 15,000 टीचर नहीं खड़ी है? आपके पास सिर्फ सामने 15-20 टीचर जुनून कारण लेकर खड़ी है। सब टीचर जिनके वाकई प्रॉब्लम है और जिनके साथ है वो लोग खड़े हैं। धन्य हो मैडम जी, धन्य। और वैसे भाई साहब मैडम जी ने बकायदा माथे पर ऐनक भी लगा रखा था। फिलहाल जो भी हो, अब पंचायत चुनाव में ड्यूटी लग गई तो बकायदा शिक्षकों की हालत बिगड़ गई। वैसे भाई साहब कोरोना काल में कहाँ स्कूल खुला है, ड्यूटी ही कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।